मुझे नहीं पता तू किडनी बेच, गहने बेच, अपने आप को बेच, पर मुझे हर महीने 20,000 रुपए चाहिए। भाभिया बस मुझे नहीं पता। अब मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, ज्यादा बकबक मत करना, समझी इस बात को, वरना ना जहर डाल के खिला के मार दूंगी दोनों को। एक तो इतनी गर्मी हो गई, ऊपर से दिमाग खराब करके रखा हुआ, पता नहीं मेरा बेबी भी कब आए। अरे सिमरन ये क्या करवा रही हो? ये मेरी छोटी बहन है। चलो तुम मुझे प्यार नहीं करते? आज कैसे बोलो बेबी? करता हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यार, पैसों की बात कर रही हो यार। चलो ये कौन है? हाँ कौन है ये? दोस्त है। दोस्त है ये? क्या पागल वागल हो ये क्या है? क्या बकवास कर रही है ये? भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मतलब सच बोल रही है? भैया मैंने ना 50,000 रुपए चोरी करे। अच्छा। ना मैं भाभी का नाम के लिए ऐसे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। भाभी आपको धोखा दे रही है। ये मतलब टॉपिक मिल गया क्या? मतलब घर में आने के लिए या मतलब अपनी सफाई के लिए कि उसने चोरी की है और वो गलत भी हो गई है? भैया मेरे को समझ नहीं रही हूँ, मैंने सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहन तुमने इसको पहले नहीं समझाया था हर चीज को, ये फिर यहाँ आके लफड़ा कर रहा। कैमरे मैंने लगा दिया, स्टार्ट करो। क्या क्या कैमरा है? ये क्या है? ये क्या चक्कर है? ये कैमरे मेरे का? भैया मैं आपको समझा, कौन है क्या है? भैया मैं आपको समझाती हूँ, मतलब भैया मेरी सुनो। बहन तेरी अपनी है या फिर सौतेली है या फिर रोड पर सुखा रखा है? तो फिर अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दी है और कैमरे से डर रहे हो भाई? अगर तुम्हारी वाइफ सही है तो कैमरा गलत थोड़े ही दिखा देगा भाई। मैं कैमरे से नहीं डर रही, और मैंने इसकी गलती की वजह से इसको निकाला है, ठीक है ना? तो वो गलती करती तो वो तुम्हारे सामने फेस करती। वो एक मिनट, वो लड़के का नाम लक्की बताया था ना आपने? वो लक्की कहाँ है अभी? वो मैंने बुलाया अभी लक्की भैया को। तुम उसको लेके आओ, मतलब ये कुछ भी बोलेगी, किसी को भी लाएगी। भाई मैं जो है देखो, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, ठीक है ना? देखो आ गया वो। हेलो भाई, कौन है ये, क्या है? तुम्हारी पत्नी का बॉयफ्रेंड है वो। क्या बकवास कर रहा हूँ? जो तुम्हारी पत्नी के ऊपर खर्चे करते हैं भाई। मैंने बात किया था ना फोन पे। हाँ भाई आपसे बात, देख लो उधर सामने। किसे उठा के लाए? एक मिनट, क्या कैमरे लगी है वहाँ पे? तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना? पहले देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, तेरी गर्लफ्रेंड इसकी बीवी है, और जो भी चीजें हम करेंगे कैमरे के सामने करेंगे। कैमरे से कोई दिक्कत है पहले बता दो। नहीं भाई नहीं है ना? नहीं, इसे दिक्कत नहीं है भाई, तू बता। दिक्कत तो मुझे भी नहीं है ना, लेकिन ये सब मिनट, कितने दिन से डेट कर रहे हो सिमरन को? 1 साल से। सुन लिया? और तेरी शादी को मुश्किल से 1.5 साल हुए होंगे ना? हाँ। 1 साल से ये डेट कर रहा है तेरी बीबी के ऊपर खर्चे, मतलब मैं कैसे यकीन कर लूँ ये काम का? कौन कोई भी आके मेरी बीबी के बारे में ऐसा बोलेगा? मैं 18 से 20 हज़ार रुपये कमाता हूँ। ये ना उसके ऊपर ना महीने में खर्च कर देता हूँ। और बता। 20-30 हज़ार तो वैसे ही कर देता हूँ भाई मैं तो। होश में तो है, क्या बोल रहा है तू? भाई मैं सही बोल रहा हूँ भाई, होश में ही। मेरी बीबी के बारे में ये तो इसकी रह, देख ये इसको बताई जब जाके यहाँ पे ये आया मुझसे बात की। पागल है क्या है ये? क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं विश्वास करूं, मैंने पैसे चोरी नहीं किए थे। बैठो लक्ष्मी भाई, किसको उठा के लाई है और अपनी भाभी के बारे में क्या बातें कर रही है? भैया आपको क्यों लगता है मैं आपकी सगी बहनों के ऐसे क्यों बोलूंगी? देख भाई मैं 2-3 सवाल करूंगा कैमरे स्टार्ट करके, तू टेंशन मत ले। देख भाई मुझे लग रहा है ना तेरी बीबी अगर गलत नहीं है तो मैं गलत चीज़ें दिखा दूंगा, तो टेंशन मत ले। तेरी बीबी अगर गलत नहीं है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तुझे जो करना होगा इसके साथ करना, जो करना हो इसके साथ करना, उसके साथ करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम बस मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे। मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया लेकिन मैंने इसको रखा अपने साथ। अरे तो भाई फिर तो तुम 15 दिन पहले ही तो निकाल दिए ना घर से बाहर। क्यों रखा मैंने अपने पास? क्योंकि मेरी बहन है ये। देख मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहन, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है ना? हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ यहाँ बैठा हुआ है लक्की, और ये लक्ष्मी है, और ये इसका बड़ा भाई है जिसका नाम मोहित है। मोहित तो कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी सिमरन से? 1.5 साल हो गया हमारी लव मैरिज थी। हाँ लव मैरिज थी। आपके घर वालों ने आपके लव मैरिज की वजह से खिलाफ थे? जी हाँ। और ये जब सपोर्ट की इसको भी घर से बाहर निकाला गया? हाँ। किसने? हमारी भाई भाई बहन के प्यार में ही तुम्हारे लिए घर से कुर्बान कर दी ना, घर वालों को दूर कर दी अपने आप से। हाँ, हाँ। ऐसा कोई और होता तो ऐसा तो नहीं करता ना, नहीं। अपनी खून है तभी तो। और जब अपनी खून तुम्हारी बीबी के बारे में गलत सलत बोल रही है कि तुम्हारी बीबी ऐसा वैसा हरकत करती है, तो वो नहीं है ना ऐसी। तुम्हें एक चीज बताओ, 1.5 सालों में कभी भी अपने बीबी पे शक नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर ऐसी निकलती है तुम्हारी बीबी किसी के साथ 1 साल से रिलेशनशिप, ये प्रूफ हो जाता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर प्रूफ हो जाता है तुम अपने बीबी के साथ कंटिन्यू आगे करोगे? हाँ या ना? नहीं, मैं तो नहीं रहने का हूँ। मैं और अपनी बहन से माफी और मांगूंगा और इसको अपने साथ रखूंगा फिर। ठीक है,
लक्ष्मी ये चीजें कितने दिनों से स्टार्ट हो रही है पहले बताओ। ये 15 दिन पहले की बात है। 15 दिन पहले मुझे तुम्हें घर से बाहर 15 दिन पहले निकाला गया। और तुम्हें पता कब चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम लकी है? वो मुझे घर से निकलने से 1 हफ्ते पहले ही पता लग गया। 1 हफ्ते पहले ही पता चला था। हाँ। आपको धमकी किस चीज का दिए थे? ब्लैकमेल किस चीज का? मुझे घर से निकालने का बोल दिया था। और जब मैंने बोला मैं भैया को बता दूंगी सब कुछ, तो उन्होंने 50,000 रुपए खुद चोरी करके मेरा नाम लगा दिया। तो तुमने चोरी नहीं की? कंफर्म हो कैमरे जो बोल रहे हो तुम सच बोल रही हो? सच बोल रही हूँ। तुमने चुराए थे वो पैसे? नहीं, आपने मुझे चुराए। अभी जो होगा ना क्लियर भाई, सिमरन गाने के बाद हो जाएगा। एक चीज बता भाई, कितने दिन से रिलेशनशिप में हो तुम? 1 साल से भाई। 1 साल से। तुम्हें मालूम नहीं था वो शादीशुदा है? नहीं, वो तो मुझे बताई भी नहीं कि मैं कभी नहीं पता था। कभी नहीं। जब तुम्हें ये आके बोली कि भैया वो मेरी भाभी है, तो तुम्हें उस टाइम बिलीव हो रहा था? क्या हो रहा था? बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये भाई के मुँह से सुना ना तब बिलीव हो गया भाई। चलो ठीक है, जो भी चीज़ें होगी यहाँ पे देख भाई, तुम्हें अभी तक बताना नहीं है। जब तक ये रंगे हाथ नहीं पकड़ेगा तुम अनजान बन के रहना, ठीक है? कितने देर में आ रही है वो? थोड़ी देर में आ रही है। मैंने ठीक है, तो पैसे का डिमांड करिए ना तुमसे। हाँ। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी दोस्तों मैं वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप और आप दोनों जाओ, फिलहाल के लिए जाओ जाओ भाई। जो भी होगा दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, मैं दिखाऊंगा पूरी चीज़ें वीडियो में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। और क्या हाल है, घर से निकल के कैसा लग रहा है? भाभी प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। कैसा क्या ना करूँ भाभी, आप ऐसे क्यों कर रही हो आप? देखो तेरा भाई तो निकम्मा है, ठीक है? मेरे घर से उससे उठाए नहीं जाते, और मुझे नहीं पता तू किडनी बेच, गहने बेच, अपने आप को बेच, पर मुझे हर महीने 20,000 रुपये चाहिए। भाभी आप ऐसे, मुझे नहीं पता इतना कुछ करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं, आप फिर भी उस बॉयफ्रेंड अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो। देखा है कैसा है? क्या मेरे का खर्चे नहीं उठा सकता वो? तो मैं तो बनाऊं। भाभी आप क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? आप एक सच्चे से इंसान के पीछे अपने पति को छोड़ रहे हो। आप ही ने तो बोला था 1.5 साल पहले कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। मथी मारी गई थी मेरी, जो मैंने उस बंदे से प्यार किया, शादी कर ली, फंस चुकी हूँ यहाँ। मुझे पैसे चाहिए होते हैं, मुझे क्लब जाना होता है यार, मेरे खुद के खर्चे इतने होते हैं, वो नहीं उठा पा रहे मेरे। भाभी आप ऐसा मत करो, क्यों मत मुझे करो नहीं भाभी ऐसा? आप कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मैं नहीं कर मुझे पाऊंगी। नहीं पता, मैं अपने बॉयफ्रेंड को ही कॉल कर रही हूँ, ठीक है? वो वैसे भी आने वाले हैं और मुझे जाना है उनके साथ, ठीक है? तो तुम देख लो। भाभी आप ऐसा मत करो, आप 1.5 साल पहले तो ऐसी नहीं थी जब हमारे पास आई थी कि आप शादी करना चाहती हो। तुझे क्या लग रहा है मैं तेरी तरह बहनजी बन के रहूँ? मैं मॉडर्न हूँ, ठीक है? मेरे 1,000 खर्चे होते, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं पता। भाभी अभी भी समय है। समय का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रहना है, ठीक है? मुझे पैसे चाहिए प्लीज। भाभी आप अभी ना चीजों के साथ बहती जा रही हो, कुछ कोई बात अभी भी आप भैया के पास लौट आओगी, कुछ नहीं होएगा। मुझे नहीं लौटना उसके साथ यार, कितना अजीब सा है वो। देखा तुमने, तुमने देखा है कि तुम्हारा भाई कैसा है यार? मैं उसके पास उसके साथ नहीं रह सकती यार हमेशा। तुम्हारा भाई कैसा है, अजीब सा है, देखा नहीं है तुमने? भाभी अगर आपको पहले से अजीब सा लग रहा था तो आपने शादी ही क्यों करी? तुम ज्यादा बोलो मत, समझी? कुछ ज्यादा ही जुबान निकल चुकी है तुम्हारी। हाँ क्या, कुछ ज्यादा ही नहीं निकल गई है? बैठो यहाँ। तुम तो पता ही नहीं कैसे पर निकल के, समझ नहीं आता, बोलने का तरीका ही नहीं है। भाभी ऐसा मत करो, तुम ना ज्यादा दिमाग ना खराब करो और 20,000 रुपए लेके आओ जैसे तुम्हें बोला था। चाहे खुद को बेचो कि कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। भाभी नहीं कर पाऊंगा। हाथ जोड़, पूछो मत, खाली हमको अगर देखती हो ना इशारा को समझ जाना। हम्म, स्टार्ट तेरे हाथ में जोड़ा, स्माइल क्यों रख रही हो फेस पे? भाभी मत करो, भाभी मैं आपसे बहुत विनती। यार तुम दिमाग क्यों खराब कर रही हो बात बात पे? भाभी 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 पागल हो हर चीज में। आपने अभी इतना करा, मान जाओ ना भाभी, कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है। समय का मुझे मैं नहीं, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी ना आपके उस बॉयफ्रेंड के बारे में ना कुछ। और तुम्हें लग रहा है कि तुम बता दोगी और तुम बच जाओगी? अभी तो सिर्फ घर से निकलवाया है, समझी? भाभी आप ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसे क्या करने वाली बात है, तुम्हारे भाई के साथ में नहीं रह सकती जिंदगी भर। आपने शादी तो करी थी ना? हाँ, तो वो पहले का टाइम था। पहले का टाइम 1.5 साल में कितनी चीजें बदल गई। जो सब कुछ बदल जाता है इंसान यार, रोज टाइम के साथ बदल जाता है, सेकंडों के हिसाब से बदल जाए तो 1.5 साल तो बहुत दूर की बात है। 1.5 साल में मैं नहीं बदलूंगी,
तुमने दिखानी है कि मैं कैसी हूँ, मैं रह पाऊंगी उसके साथ? भाभी ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ समय के साथ बह रही हो, अब कुछ भी ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं ठीक होगा, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है? मुझे तेरे भाई के साथ रहने में इतना शौक है ही नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा पैसे वाला है, मेरे हर खर्चे उठाता है। कितने दिन उठाएगा वो बॉयफ्रेंड आपके खर्चे? जब तक मैं बोलूँगी। आपको लगता है सच्चे प्यार को जीत पाएगा? सच्चा प्यार आज के टाइम पे कुछ नहीं है, आज के टाइम पे जो प्यार है वो पैसों से है सिर्फ। भाभी प्लीज अब मान जाओ ना, तुमने ये सब कहने के लिए यहाँ बुलाया मेरे को? मैंने पैसे के लिए तेरे को बुलाया था ना, पैसे कहाँ हैं? भाभी मैं वो आज शाम तक आपको दे दूंगी। तो मुझे पैसे दो, ये सब कहने के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज यार, ठीक है? मुझे वैसे भी क्लब जाना है, मेरा बंदा आ रहा है, मैं उसको फोन करने वाली हूँ, वो आएगा, मुझे जाना है यार। तो पैसे दो और मैं जा रही हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं आपको आज शाम तक दे दूंगी। आज शाम तक नहीं, मुझे अभी चाहिए। भाभी मैं अभी कहाँ से लाऊंगी पैसे? कहीं से ला, खुद को बेच दे, चली जा। आप समझने की कोशिश मुझे नहीं, मुझे समझना ही नहीं है। भाभी मैंने आपको इतना सपोर्ट करा था और आप आज ऐसे कर रहे हो? मुझे नहीं पता कहाँ, आप 1.5 साल पहले कितने अच्छे थे, अभी कुछ टाइम पहले तक आप कितने अच्छे थे, मुझे नहीं पता, ठीक है? और तुम ज्यादा बोलो मत, कुछ ज्यादा ही जुबान निकल गई है तुम्हारी, पता ही नहीं बोली जा रही। जो बोला था पैसे तो लेके नहीं आई हो। भाभी मैं आज शाम तक दे दूंगी। आज शाम तक का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी चाहिए। भाभी मैं अभी कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आ। भाभी अभी नहीं, याद होगा ना 50,000 की बात? भाभी वो आपने चुराए थे ना। तो क्या हो गया, किसको पता है कि मैंने चुराए थे? सबको तो यही पता है ना कि तूने चुराए थे, निकल ही ना उसी वजह से। भाभी अभी अगर मैं भैया को बोलूंगी तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो प्यार में पागल है मेरे, वो मेरे पे ही विश्वास करेगा। भाभी आपका ये जो घमंड है ना, वो एक ना एक दिन चकना चूर हो जाएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो मेरे घमंड को तोड़े, ठीक है? समझी इस बात को? भाभी मैं आपको आज शाम तक पैसे दे दूंगी, बस आप आज। ये जो ज़्यादा बकबक कर रही हो ना, सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ठीक है? तुम पैसे लाओ और जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। भाभी 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 बहुत हो गया है यार, बकवास मत करो, ठीक है? बस मैं वैसे भी अभी कॉल करने वाली हूँ अपने बंदे को, वो आएगा तो मुझे जाना है तुरंत यार, बस फटाफट पैसे कराओ यार, टाइम इतना हो गया है। ये सब बकवास करने के लिए यहाँ बुलाया था? आज शाम को करा दूंगी मैं। शाम को कब तक? शाम तो हो गई ना, मुझे नहीं पता, अभी चाहिए मुझे। क्या चाह रही हो तुम? ये जो रोना धोना है ना, मेरे सामने मत कर, मुझे पता है मैं ना पूरे खानदान को खत्म कर सकती हूँ जहर खिला के, ठीक है? तेरे भाई को भी। भाभी भैया को कुछ मत करना, भैया को कुछ मत करना। अच्छा इधर मेरे हाथ दबा, दर्द कर रहे मेरे। अगर तेरे को जिंदा रहना है ना तो मेरी बात मान, पैसे लेके अभी शाम तक नहीं, मुझे अभी चाहिए। और मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? चुप रहना, जुबान नहीं निकलनी चाहिए। हेलो बेबी कहाँ हो? हाँ मैं यहाँ पार्क में हूँ, आ जाओ। हाँ ओके बेबी। हाँ हाँ मैं आपका ही वेट कर रही हूँ, ठीक है? ओके आ जाओ। अब मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, ज़्यादा बकबक मत करना, समझी इस बात को, वरना ना जहर डाल के खिला के मार दूँगी दोनों को। रुक क्यों गई, हाथ दबा। भाभी ऐसा मत करो। पैर कौन, तेरी माँ दबाएगी? एक तो इतनी गर्मी हो गई, ऊपर से दिमाग खराब करके रखा हुआ, पता नहीं मेरा बेबी भी कब आए। अरे सिमरन ये क्या करवा रही हो? ये मेरी छोटी बहन है। मैंने तो घर पे भी तो कर सकती हो ना। कोई बात नहीं, वो हो जाता है, अच्छा मेरे पैर दर्द कर रहे थे इसलिए बेबी। अच्छा हाँ अब बैठ बताओ। हाँ क्या और बताओ? बस बेबी हाँ मैं ठीक हूँ। घर पे यार पैर वर दबा लिया करो, पब्लिक प्लेस में अच्छा नहीं लगता ना, बहन है तुम्हारी। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ किस लिए बुलाई थी मुझे? यार बेबी क्लब चलते हैं ना, क्लब के बारे में बोला तो था यार, आज मूड नहीं हो रहा। क्यों?
आज क्या हो गया है? पिछले संडे तो गए तो भाभी? नहीं भाभी क्यों बोल रही है? एक मिनट तुम्हें कितनी बार बोला है? तुम पागल हो क्या? बोल दिया तुमने भाभी सॉरी। भाभी सॉरी अब उसको क्या बोलूंगी मैं? ये मैं ना जहर खिलाने में टाइम नहीं लगाऊंगी। आई बात ना समझ में? भाइयों को कुछ मत करना। अरे उसको डरा क्यों रही है? अरे डरा नहीं रही, उसके मुंह से निकल गया। छोटी है ना वो, इसीलिए। बहन है मेरी, वो बहन। हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रही, मेरी बहन है छोटी। वो उसके मुंह से निकल गया यार, छोटी बच्ची है क्या ज्यादा वो हो गया। चलो इधर आओ बैठो। बेबी आप क्यों वो टेंशन में हो रहे हो ज्यादा, वो स्ट्रेस मतलब? अरे यार वो अचानक से भाभी बोली, मैं बोलो यार नहीं, वो छोटी बच्ची है ना वो, एकदम से ऐसे बच्चे मुंह से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है और बताओ। बस ठीक है, आज तो मूड नहीं हो रहा। क्यों? क्लब जाने का। चलते हैं ना? नहीं बेब चलते हैं ना, प्लीज आज चलते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा। मेरा मूड है ना बेब, प्लीज। अरे यार कोई नहीं, अभी टाइम क्या हो रहा है? बस 4:30 हो रहा है ना, तो ऐसा करते 7:00 चलते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन इसको तो मैं घर भेज दूंगी। जाओ तुम जाओ। जाएगी घर? हाँ हाँ चल जाएगी। जाओ जाओ तुम भेज दो ना, फिर चलते हैं। हाँ थोड़ा बाहर चलेंगे, बात बात करेंगे, फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा, जब तक 7:00 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ओके चलते हुए। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया ना हमें गए हुए साथ में, टाइम तुम्हें शौक है ज़्यादा, मुझे तो नहीं है यार। मुझे क्लब में जाना अच्छा लगता है, यू नो मुझे पार्टी अच्छा लगता है बिल्कुल। और बताओ कैसे? अपना तो ठीक है यार, क्लब तो जाएंगे लेकिन मेरा मूड ही नहीं, फिर मजा नहीं आएगा ना यार। अरे मैं रही बेब, ऐसे थोड़ी होता है, कोई नहीं चलते हैं साथ में क्लब चलते हैं, एंजॉय। चलो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आज मैं खर्च नहीं करूँगा, आज तुम करो। अरे बेब आप चलो ठीक है, 30% मैं, ठीक है बाकी 70% तुम। बेबी प्लीज यार, बेबी यार कैसे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मैं तो, तुम ही तो खर्चा उठाओगे ना। तो कोई बात नहीं, मैं 70% तुम उठा लेना, 30% मैं हमेशा 100% करता हूँ ना मैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें आज की पार्टी बेबी तुम्हारी तरफ से है ना। ऐसे नहीं करते, गलत नहीं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार? आज मूड नहीं है ना, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऐसे नखड़े करूंगा तो तुम शायद मना कर दोगी, है ना। हाँ, मैं मना नहीं करूंगी, मुझे पता है मेरा बेबी सारे खर्चे उठाएगा। नहीं 30% मैंने बोला है, 70% तुम, ठीक है तुम ही करो। चलो मुझे प्यार नहीं करते आज, आज कैसे पैसे लो बेबी? करता हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यार, पैसों की बात कहाँ यार। चलो ये कौन है? मैं कौन हूँ? क्या कर रही थी? नहीं वो क्या वो क्या दरा कौन है तू? हाँ कौन है ये? दोस्त है। दोस्त है ये दोस्त है? हाँ दोस्त है ना। तू दोस्त है इसका? नहीं भाई है। हाँ कब से चला ये ड्रामा? ड्रामा नहीं है वो, ड्रामा नहीं है ये, दोस्त है ना। ये दोस्त है? हाँ क्या बोल रही है तू? कह रही थी ना पहले से कि भाभी कैसे बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, कैसे आपको धोखा दे रही है। भाभी अब नहीं रोक सकते आप? तुम तो मेरे से बोल रखी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं फिर ये कौन है? किसने बोला मेरे से? क्या मैं बोल के मिली है ये? अरे भाई मेरे से बोलिए कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। देख लिया नहीं, ये झूठ बोल रही है। मोहित देख के नहीं बीबी, मैंने बोला था ना तुमको अभी तो। ये कौन है? ओहो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा आज का होस्ट हूँ, अब चलो बात करो मेरे सामने। थोड़ी अभी क्या बोल रही थी कि ये बहन है? तो ये मेरी ननद है। नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं बोला। मोहित रुक जा, इधर इधर ना, देखते कितना झूठ बोलते हैं। नहीं मैं नहीं जानती। ओए अभी नहीं जानती, अभी क्या कह रही थी? क्लब चलेंगे बाबू। बाबू नहीं नहीं मैं दो इससे पता ये क्या बोली थी पता? मैं बता रहा हूँ, ये बोली थी जानू बोली थी ना 30-70 कलेक्शन करेंगे, ये बोली थी ना क्या? हाँ भाई क्लब जाने की, मतलब मैंने बोला 30% मैं दूंगा। दोस्त है फिर दोस्त पता है ना इसका? तेरी बीबी है तो लोग पता ही होगा। देख ले लास्ट कॉल किसका, देख ले उसको पकड़ कर। अच्छा उसको पकड़। फोन मैंने दिलाया, फोन का लॉक भी बता दी। ओए बेवकूफ अभी भी समझ, दिमाग का ना बत्ती खोल। इसकी शादी इससे 1.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद तुम आए हो इसके लाइफ में, समझे? 1.5 साल से हम दोनों रिलेशन में, तेरे दिमाग में नहीं घुस रहा
भाई मुझे नहीं पता ना, शादी शुदा है ये, तुझे पता नहीं पता था ना? बिल्कुल नहीं पता था। लगा एक जापा, तो पागल है क्या? शॉपिंग चलूंगी, क्लब चलूंगी। हाँ बैठो इधर मैडम, बैठो। दोनों अच्छी लग रहे हो, जोड़ी कैसी लग रही है? झूठ पे झूठ बोलते जा रही है। मैं दो, ये दोस्त है, झूठ। अगर इसके साथ ही रहना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? एक और एक चीज और, तुमने सुना ना, तुम्हारी बहन से ये पैसे की डिमांड कर रही है, किरनी बेच, मोबाइल बेच। मैंने सब कुछ देखा भी है और सुना भी है। ओए ओ, आंख मत दिखा, इसे ना आंख मत दिखाइयो। आज उसी की वजह से तुम्हारी ना, अभी मेरे सामने ही ना उसको धमका रही थी ना, डरा रही थी। खुद देखा तू कैसे से टोर्चर कर रही थी। ये नहीं होती ना, तुम तो तुम्हारी तसल्लियत आती नहीं सामने। केसेस के साथ गले में हाथ डाल के बैठी हुई थी। रुक जा एक मिनट, सब लोग शांत हो जा, सब लोग शांत। तू चाहती है ऐसी भाभी अपने घर में? नहीं। पक्का? हाँ। तो भाई तू डिवोर्स देगा? बिल्कुल दूंगा। अब तू पहले डिसाइड कर, तू इसके साथ रहेगा? मैं तो नहीं रहूंगा भाई, ये झूठ बोल रही है। क्या सॉरी, क्या सुनूं मैं तेरे? आज के बाद ना दोबारा शक्ल मत दिखाना, कांटेक्ट मत करना मेरे से। सुनने लायक कुछ छोड़ा तूने? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? समझो ना, वो दोस्त था। एक मिनट, दोस्त था। तुम अपने भाई के पास एक्चुअली, मैडम तुम्हें शर्म आ रही है? आप क्या कर रहे हो? आप तो इससे प्यार करके शादी की है, आपके चक्कर में ये लड़की घर बार छोड़ के आपके साथ रहने आई। 50,000 50,000 किसने चोरी किया था? सच बोल, नहीं बोलोगे तो अभी पुलिस आएगा और मेरे पास वीडियो एविडेंस है। वीडियो? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। खुद सच बताओ, तुम भाग कहाँ रही हो? सच बता दो खुद, मैं कुछ नहीं कर रहा। सच बता दो, पैसे मैं वीडियो भी बंद कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तुम सच बता दो, एक मिनट सच बता दूंगी तो मैं पक्का तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पैसा किसने चोरी किया? मैंने चुराया। प्रूफ हो गया भाई, मैंने प्रूफ कर दिया भाई। वो मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं, वो मेरी जिंदगी में 1.5 साल से है, ठीक है ना? मैंने तुझ पे भरोसा करा और अपनी छोटी बहन पे भरोसा नहीं किया मैंने उसका। तेरे कहने से मैंने उसको घर से निकाल दिया। तुम कितनी बार इसे भला बुरा कहा ये तो देखो, और मैंने इसके साथ कितनी बदतमीजी से बात करी है। सॉरी ना, अनजान शहर में कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी कुछ नहीं सोचा मैंने, सिर्फ तेरे खातिर। देख लिया ना भैया अपनी प्यारी बीवी को। अच्छा मोहित क्या करना है, डिसीजन दे दे इसके सामने, डिसीजन दे दे। ऐसे तुमने डिसीजन ले लिया ना? बिल्कुल, मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। दो दिन में डिवोर्स, मैं कहां जाऊंगी? मैं लकी है ना तेरे पास, दो दिन की बात कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं 2 सेकंड में इससे छुटकारा मिले मुझे। एक आईडिया दे रहा हूं, क्लब जाओ, बढ़िया से मोटा पार्टी पकड़ो, शादी करो, घर बसाओ। तुम्हारे सपने बड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड है। आप नहीं, तुम्हारे सपने बड़े हैं और ये सेल्समैन है, इसको अपने लायक देख। गांव की कोई लड़की पकड़, उसे शादी कर, जिसको सिर्फ रोटी खाना दाना पानी और परिवार से मतलब है। क्या बोलती थी तू मेरे से? क्या बोलती थी? चल कि जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। मैं प्लीज ना, सुनो ना, क्या सुनूं मैं तेरी? सॉरी बोल तो रही हो, तू सुनने लायक है नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे बैठ, चल भैया, हाँ बैठ, मेरे साथ चल। तुम्हें ना पता है ये हालत।